हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, एक टॉपिक सामने आता है जो कि इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस हम जावा के थ्रू समझते हैं। इनहेरिटेंस इज जावा। अगर आप ऑफिशियल अनटू कोड पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिट एट्रीब्यूट्स और मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। ये दो क्लास के बीच होता है। एक्चुअली क्या होता है कि एक क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड को दूसरे क्लास जो है सो इनहेरिट करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये दो क्लासेस में होता है, जिस जो एक सब क्लास होता है जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, और एक सुपर क्लास होता है जैसे कि पेरेंट क्लास करते हैं। तो पेरेंट क्लास को जो होता है सो चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है। तो पेरेंट क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट या मेथड है उसको हम चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है, सुपर क्लास को सब क्लास इनहेरिट करता है। और इनहेरिट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक्सटेंड। एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज़ करते हैं हम इनहेरिट करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है व्हीकल करके, ठीक है, ये सुपर क्लास है। ठीक है, सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है हमारे पास जो कि प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से है, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग टाइप है ब्रांड, जिसकी वैल्यू हमने असाइन करा है फोर्ड। ठीक है, व्हीकल की ब्रांड है फोर्ड। ठीक है, ब्रांड एट्रीब्यूट है। और एक मेथड है हमारे पास पब्लिक वॉइड हॉन्क, हॉन्क मेथड है जिसके अंदर हमने प्रिंट करा रखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हॉन्क का साउंड बीप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास है जिसको सुपर क्लास कह रहे हैं। फिर हमारे पास एक सब क्लास है या फिर चाइल्ड क्लास है कार। ठीक है, जो कि व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है। इनहेरिट करने के लिए हम क्या करते हैं? जब भी किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो हम एक्सटेंड्स की वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, कार यहाँ पे सब क्लास है, उसने व्हीकल को, व्हीकल है पेरेंट क्लास, उसको इनहेरिट कर रखा है। तो और कार के पास क्या है? एक एट्रीब्यूट है प्राइवेट स्ट्रिंग मॉडल नेम, मॉडल नेम है मस्टैंग। और एक हमारे पास अगर मेन मेथड में देखें तो हमने कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। ठीक है, कार ओबीजे न्यू कार, और उस कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसे कॉल कर रहे हैं? पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं ओबीजे डॉट। तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा? पहले बीप, क्योंकि तो कार के ऑब्जेक्ट से हमने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया है कार ओबीजे डॉट हॉन्क। तो अब यहाँ पे आउटपुट में बीप प्रिंट हो जाएगा। फिर अगले लाइन में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ओबीजे ब्रांड, ब्रांड को कॉल करा तो ब्रांड क्या है? फोर्ड। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन फोर्ड। ठीक है, और स्पेस देके ओबीजे डॉट मॉडल, मॉडल तो हमारा अपना ही एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे मस्टैंग। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने कार क्लास जो है, जो कि सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करता है और फिर उसके एट्रीब्यूट और उसके मेथड को एक्सेस कर पाता है। तो ये इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे हमने प्रोटेक्टेड की जगह प्राइवेट यूज़ कर रहा होता, प्रोटेक्टेड की जगह अगर प्राइवेट एक्सेस पर यूज़ कर रहा होता तो ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाता, हम ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड को एक्सेस नहीं कर पाते। यहाँ पे अगर इस तरह करते तो एरर आ जाता। ठीक है, प्रोटेक्टेड है तो ये इसकी सब क्लास या चाइल्ड क्लास यूज़ कर सकती, पब्लिक होती तो पब्लिकली एक्सेसिबल थी, प्राइवेट होती तो ये चाइल्ड क्लास भी एक्सेस नहीं कर पाता। अब बात आती है कि इनहेरिटेंस हम यूज क्यों करते हैं, तो ये एक्चुअली कोड रीयूजेबिलिटी। मान के चलिए हमें कभी भी व्हीकल क्लास को कहीं भी यूज करना है तो हमें बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, बार बार ये एट्रीब्यूट, बार बार ये मेथड नहीं लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? हम इसको बस इनहेरिट कर लेंगे। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी के पर्पज़ से यूज होता है, हम लोग इनहेरिट करेंगे और इसके एट्रीब्यूट और मेथड को यूज कर सकते हैं। और मान के चलिए कि हमें इस क्लास को, हम चाहते हैं कि इस क्लास को कोई इनहेरिट ना कर पाए, तो हम लोग क्या करेंगे? क्लास के आगे फाइनल कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। फाइनल कीवर्ड अगर यूज हो गया तो इस क्लास को कोई इनहेरिट नहीं कर सकता है और ये इनहेरिट होने से बच जाएगा। तो ये कुछ इनहेरिटेंस की बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।